व्हाट इज अप गाइस, दिस इज मी अविनाश कुमार, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं एक एब्स्ट्रैक्ट ड्राइंग ड्रॉ करूंगा पोस्टर कलर से। तो गाइस, मेरे को ग्रेफाइट पेन से ड्राइंग ड्रॉ करनी आती है और चारकोल से भी आती है, पर मेरे को वाटर कलर मीडियम बहुत हार्ड लगता है, जो कि हार्ड है, वाकई हार्ड है। इससे पहले मैंने ड्राइंग ड्रॉ कर रखी है पोस्टर कलर से, पर वो इतनी अच्छी ड्राइंग ड्रॉ नहीं हुई थी और ना ही मेरे को ड्रॉ करनी आती ढंग से। तो मैं सीखूंगा आज की इस वीडियो में कि कैसे ड्रॉ कर सकता हूं मैं एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली, और इस्तेमाल करूंगा मैं ये वाला पेपर, A3 साइज़ का है। इस पर मैंने ड्राइंग ड्रॉ कर रहा था कुछ पोस्टर कलर से, तो ये कुछ ख़राब हो गया था पेपर तो इसके पीछे बिल्कुल वाइट है, ख़राब नहीं हुआ इसके पीछे, और ना ही कुछ पेपर ख़राब हुआ है, क्योंकि वाटर से पेपर ख़राब हो जाते हैं, और ये पेपर ख़राब भी नहीं हुआ है, 200 GSM का पेपर है। तो इससे ड्रॉ करूँगा, इसको दो हिस्सों में काट दूँगा बीच से, और A4 साइज़ का बन जाएगा। तो इसको पर ड्रॉ करके देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट। वैसे बेसिकली मेरे को सीखना ये ड्रॉइंग, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पेपर आगे से कैसा है, पीछे से कैसा है, तो इसे ड्रॉ करके देखते हैं। तो गाइस, इसे इस मास्टर पीस को काटते हैं दो हिस्सों में, A3 साइज का, तो A4 साइज में करेंगे इसको कन्वर्ट। स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मास्टर पीस हमारा दो हिस्सों में अच्छे तरह से कट चुका है, इसका पीछे वाला हिस्से पर ड्रॉ करूंगा मैं आज। तो स्टार्ट करते हैं इस ड्रॉइंग को, देखते हैं कैसा ड्रॉ हो पा रहा है। तो ये रहा पेपर और साइज सामग्रियाँ ये रही। तो गाइस, ये वाटर कलर है, ये तीन ब्रश यूज़ करूँगा, और एक ये जो भी टाइप में पैलेट के लिए इस्तेमाल में करूँगा इसको, बस फिर एक आउटलाइन ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, आउटलाइन ड्रॉ हो चुकी है, अब कलर करना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, येलो के अंदर मैं डार्क ग्रीन को ऐड कर रहा हूँ। तो अब फेस बनाएंगे लॉर्ड कृष्णा का, सबसे पहले नोज बनाया था, उसके बाद फेस के अंदर कलर कर रहे हैं ब्लू। तो गाइस, कृष्ण भगवान के साइड में जो रेड कलर आपको दिख रहा है, वो रेड और ब्राउन को मैंने मिक्स करके बनाया है। अब हम राधा जी का फेस बनाएंगे येलो कलर से और रेड कलर से। राधा जी के राइट साइड फेस पे एकदम प्राइमरी रेड किया, एकदम डार्क रेड। तो गाइस, आप लोग कहोगे काफी बेसिक सा है, इसको कोई भी बना लेगा। हाँ, मुझे पता है को कोई बना लेगा, पर मेरे को नहीं आता है, इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ अभी। तो अब मैं जहाँ जहाँ भी कलर अलग अलग दिख रहा है उनके बीच में आउटलाइन करूंगा, उससे गाइस ये ड्रॉइंग है ना काफी उभर कर सामने आएगी ब्लैक कलर के आउटलाइन से। तो गाइस, अभी आपको थोड़ा बहुत सही लग रहा होगा ये ड्राइंग। तो ये रही वो ड्राइंग, कंप्लीट हो चुकी है, और इसको ड्रॉ करने में एटलीस्ट 1.5 घंटे लगे। कलर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, पर जो कलर मिक्सिंग होता है और इसको ब्रश को बार बार साफ़ करो और फिर कलर करो, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। और ये लॉर्ड कृष्णा और राधा जी की एब्स्ट्रैक्ट ड्राइंग है, काफ़ी बेसिक सी ड्राइंग है ये रही। तो इसमें पहले वाली जो ड्राइंग ड्रॉ कर रखी है मैंने एब्स्ट्रैक्ट्स, उससे काफ़ी कम गलतियां हैं, पर इसमें भी बहुत ज़्यादा गलतियां दिख रही होंगी आपको। लाइन प्रॉपर नहीं है, कलर ढंग से स्प्रेड नहीं हो रखा, यहाँ पे वाइट से आपको दिख रहा होगा, कलर ढंग से मिक्स नहीं हो पाया, और ना ही डार्क कलर है, इधर भी रेड कलर ढंग से नहीं मिक्स हो पाया, यहाँ ब्लैक और रेड ढंग से मिक्स नहीं हो पाया, क्योंकि वाटर कलर का पेपर नहीं है गाइस, ये नॉर्मली बेसिक सा पेपर आता है, उसके ऊपर मैंने ड्रॉ किया था, यहाँ भी दिख रहा होगा गलती आपको।
तो गाइज इस वाली ड्राइंग में भी काफ़ी गलतियां हैं, पर जो पहले मैंने वाटर कलर या पोस्टर कलर से ड्राइंग ड्रॉ करी थी उससे काफ़ी कम गलतियां हैं, और इसमें सीख भी जाऊँ क्योंकि पहले मैं पोस्टर कलर जो ड्रॉ करता था तो उसमें काफ़ी मेरे को इंटरेस्ट नहीं आया था, मैं ऐसी बिना मन के ड्रॉ करता था, पर अब मेरे को पोस्टर कलर और वाटर कलर मीडियम में इंटरेस्ट आने लग गया है, तो मैं उनको जल्दी सीख लूँगा और आने वाली जो वीडियोज़ होंगी वो इससे काफ़ी अच्छी आएंगी। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो के अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहें। तो गाइज़ आने वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, स्टे कनेक्टेड।